रोपाई का समय आ चुका है। नर्सरी से पौधे उठकर अब खेतों में लगना शुरू हो चुके हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर साहब जो कि टेनेजर संस्था से हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर अब हम लोग को ये बताइए कि जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि पौधे से पौधे की दूरी इतनी होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी इतनी होनी चाहिए, रोपाई में किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए? रोपाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जब हमारी नर्सरी या बिरवा हमारा 30 से 35 दिन का हो जाए और उसकी लंबाई जो है 3 से 4 इंच हो जाए, उस समय पर लगाना चाहिए। लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखी जाए और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाए। होता क्या था, इससे पहले 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर पर लोग लगाते थे, उसका बड़ा बुरा असर पड़ता था पौधे की बढ़वार पर। होता क्या था कि उसमें पत्तियां गिर जाती थी। पत्तियों गिरने का कारण ये था कि जब पौधा बढ़वार लेता था तो आपस में मिल जाते थे, उसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाती थी, हवा नहीं जाती थी, नीचे से नमी भाप बन के निकलती थी और बाहर निकल नहीं पाती थी। उमस होने के नाते सारी पत्तियां जमीन पे आ जाती थी, जिसका कि हमारे तेल की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता। इस कारण से हम लोगों ने अब इसको 50 सेंटीमीटर, कुछ किसानों से हम लोग 55 सेंटीमीटर पर भी लगवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है, ये आधारित होता किस तरह का हमारा खेत है। अगर हमारा खेत ज़्यादा उपजाऊ है, मृदा परीक्षण करने के बाद उसमें सारे तत्व अच्छे हैं, उस समय पर हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम 50 पर लगाएं कि 55। अगर सब कुछ अच्छा है तो हमें 55 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए, मतलब कि 22 इंच की दूरी पर। लेकिन अगर थोड़ा भी वो है तो हमें 20 इंच पर या 50 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 55 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। रोपाई करते समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोपाई करते समय सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि खेत में जो हम पानी लगाए हैं वो कितनी मात्रा में है। अगर ज़्यादा पानी है तो पौधे हमारे उसमें गिर जाएंगे, और जब पौधे गिर जाएंगे तो ज़मीन पर आ जाएंगे, जब पानी सूखेगा और जहाँ पर भी वो ज़मीन में गिरेंगे उनके तना से नई जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी, तो हमारी सारी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका असर बाद में पड़ता है निकाई गुड़ाई पर, क्योंकि हम निकाई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, बिना लाइन के पौधे हो जाएंगे और हमारी उपज पर असर पड़ता है। तो लगाते समय ये ध्यान में रखें, जैसे ये पानी लगा हुआ है और आप देख रहे हैं पानी बहुत कम है और पौधे भी अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, इस स्थिति में ही हमें पानी में लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पौधे जो हों खड़े हों, गिरने ना पाएं। अगर पौधे की ऊंचाई 3 से 4 इंच है तो एक भी पौधा ज़मीन पर गिरेगा नहीं और उससे हमारी उपज अच्छी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रोपाई हो जाने के बाद जो निकाई गुड़ाई होती है वो करना सही रहता है या खरपतवार डालना सही रहता है? देखें, खरपतवार नाशक अगर हम दवा डालते हैं तो उसका असर हमारे पौधे के ऊपर भी पड़ता है और उसके साथ साथ हमारी ज़मीन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं, सारे किसान भाई जानते हैं कि हमारे खेत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे पौधों के लिए लाभदायक होती हैं। बहुत सारे जीव जंतु, बैक्टीरिया, एंजाइम ये सारे पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, हमारे पौधे के लिए लाभदायक हैं। अगर हम खरपतवार नाशक दवा डालेंगे सब मर जाएंगे और हमारे पौधे के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। अगर हम इसको निकाई गुड़ाई करते हैं, मतलब आदमी के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा, तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। निकाई गुड़ाई जब करते हैं तो जब हम आज रोपाई कर रहे हैं तो आज से 30-35 दिन के बाद एक बार हम इसमें निकाई कर दें, गुड़ाई कर दें, दो लाइनों के बीच में गुड़ाई कर दें और जो जिस लाइन में पौधा लगा उसमें हाथ से खुरपी लेकर के उसकी निकाई कर दें। उसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा यह है, ऊपर से रोशनी आ रही है, हवा चल रही है, ये सारी हमारी जड़ों को मिलता है। जब हम गुड़ाई करते हैं तो जड़ें खुल जाती हैं और खुलने के बाद जो है उसमें अच्छी हवा जा रही है, अच्छी रोशनी जा रही है, जिससे कि पौधों की जड़ों में श्वसन क्रिया, बाकी क्रियाएँ बड़े
अच्छी तरह से होती हैं और उसका असर हमारे पौधे के ऊपर दिखाई पड़ता है। क्योंकि सारे किसान भाई ये जानते हैं कि जब हम लोग गुड़ाई करके छोड़ देते हैं और जब मिट्टी पूरी सूख जाती है उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो हमारे खेत में एक अलग से हरियाली दिखाई पड़ती है, पौधा अलग से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और वो सिर्फ उसी का है जो कि हवा हमने जाने दिया जड़ों के पास और सूरज की रोशनी गई है, जिससे कि पौधों में सारी क्रियाएं जो हैं वो होती गई हैं और पौधे पर बढ़वार पर पौधे के देखने पर हरियाली में बहुत अच्छा असर पड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब रोपाई हो चुकी है, अब इसके बाद जो पानी लगाने का समय है वो क्या होना चाहिए? इसमें पानी लगाने का समय जो है, पहली बार तो जो हम रोपाई करके बाद में लगाते हैं पहली सिंचाई, तो 7 से 8 दिन पर पहली सिंचाई कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब भी सिंचाई करें, जब जब खेत की आवश्यकता हो तब तक सिंचाई करें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पानी हमेशा दें, बराबर दें, लेकिन इतना ना दें कि पौधे के ऊपर असर पड़े। क्योंकि अगर हमारे पौधे के ऊपर असर पड़ा तो हमारी उपज पर असर पड़ेगा। उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी पानी की मात्रा ज़्यादा ना लगे, पानी उतना ही दें जितने पौधे को आवश्यकता है, और जिससे कि हमारा डीजल बचे, हमारी मेहनत बचे, हमारा समय बचे। तो सिंचाई करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए किसान भाई को आज लग रहा है आज हमें इसमें पानी लगाना चाहिए, तो हम सभी किसान भाइयों से कहेंगे आप एक दिन के लिए पानी रोक दीजिए, आज न लगाने के बाद कल लगाइए। और अगर आपको 8 पानी लगाना है, 8 दिन आपने गैप मार दिया, हर पानी में एक एक दिन डाल दिए, तो आपका एक सिंचाई बच गया। एक सिंचाई बचने से आपका जो डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, समय लग रहा है, मजदूरी लग रही, वो सारी की सारी आपकी बच जाएगी। और जो हमारा बचा हुआ पानी है वो हमारा अगली फसल के काम आ जाएगा। क्या अब रोपाई के बाद भी खाद की आवश्यकता होती है, तो किस खाद की आवश्यकता होती है, किन सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है? देखें, जब हम लोग रोपाई करने जाते हैं तो उससे पहले खेत में हम खाद की संतुलित मात्रा डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमारा पौधा 30 से 35 दिन का हो जाता है, उस समय पर हम एक बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कहते हैं छिड़काव करते हैं, और वो जो है 1 बीघा या 1000 स्क्वायर मीटर में जो है हम उसको 5.5 किलो के हिसाब से डालते हैं। खास बात यह है इसमें कि यूरिया हम कैसे डालें उसको किसान भाई को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो फिर वो खेत में फैल जाएगा। क्योंकि नाली हमारी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो बीज की जगह वहाँ पर अगर हमारी यूरिया पड़ी तो हमारा पौधे के काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पौधे की जड़ इतनी बड़ी नहीं होती कि बीज से खाद को ले सके। तो हमें चाहिए कि जो लाइन में पौधे लगे हुए हैं उसी लाइन के किनारे किनारे हम खाद हल्की हल्की डालते चले जाएं, और हर लाइन के किनारे जब ऐसे डालेंगे तो 5.5 किलो में हम 1 बीघा या 1000 स्क्वायर मीटर या 8 बिस्वा में हम खाद पूरी तरह डाल देंगे और पूरी खाद हमारे पौधे को मिलेगी। लेकिन अगर वही खाद हमने पूरा छिड़क दिया है, लाइन के बीच में भी पड़ी है, तो खरपतवार जमेंगे, खरपतवार खाएंगे, पौधे को जो मिलना चाहिए वो खरपतवार खा रहे हैं, और उसमें निकाई गुड़ाई में फिर दिक्कत आएगी। ज़्यादा खरपतवार होंगे उससे हमारी उपज पर भी असर पड़ेगा और खरपतवार निकालने का खर्चा भी पड़ेगा। दूसरी बार एक बार फिर हम डालते हैं यूरिया जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है। दूसरी बार में डालते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम खेत की सिंचाई कर दें। खेत की सिंचाई करने के बाद उसमें हम यूरिया 5.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से या 1000 स्क्वायर मीटर में डाल दें, वो ठीक उसी तरह जैसे पहले डाले हैं। और यूरिया डालने के बाद फिर हम उसकी निकाई गुड़ाई कर दें। निकाई गुड़ाई करने से हुआ कि जो भी यूरिया हमने डाला है वो तो मिट्टी में चला गया, और उसके साथ साथ जितने भी खरपतवार आए हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो हमारे दोनों क्रियाएं, पानी देना, खरपतवार निकालना और खाद डालना, ये साथ साथ चलती रहती हैं, जिससे कि हमारे पौधे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, पौधा अच्छा होता है और तेल की मात्रा पर काफ़ी असर पड़ता है। सर, ये बताइए कि जो ये सूक्ष्म तत्व डालते हैं वो
किस समय पे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है? देखें, जितनी भी तिलहनी फसलें हैं या जितने भी पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें तेल लेना है, उसमें सूक्ष्म तत्व का बड़ा महत्व है। और उसमें भी सबसे पहले हम नाम लेंगे सल्फर का। सल्फर जो है ये तेल बनाने की प्रक्रिया में पौधे के अंदर इसका बड़ा महत्व है, बड़ा काम करता है, इसलिए इसमें हमें सल्फर देना चाहिए। हमें इसमें फेरस सल्फेट देना चाहिए, हमें इसमें जिंक देना चाहिए। सबसे पहले हम फेरस देते हैं। जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए उस समय पर फेरस को 2 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे करते हैं। मतलब एक टंकी में 30 ग्राम फेरस सल्फेट लेकर के घोल बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको पूरे पेड़ पर स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद जिंक का करते हैं। जब हमारी फसल 60-62 दिन की हो जाए उस समय पर हम इसमें जिंक सल्फेट को ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। अब सल्फर हम देते हैं 70 से 72 दिन पर। जब हमारी फसल 70 दिन की हो जाए, 72 दिन की हो जाए उस समय पर फिर सल्फर को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से घोल बना के पूरे खेत में छिड़क देते हैं। छिड़कते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पौधे को हम अच्छी तरह से नहला दें। नहलाने का मतलब कि पौधे के नीचे, ऊपर, आगे, पीछे पूरा छिड़क दें, जिससे क्योंकि तेल बनता है पत्तियों में, और जब पत्तियों में ही भोजन बनता है, जब पत्तियों को सल्फर मिलेगा, फेरस मिलेगा, जिंक मिलेगा, तो उसमें अच्छी पैदावार होगी, उसमें अच्छी हरापन आएगा, उसमें तेल की मात्रा बनेगी और फिर हम उसकी अच्छी तरह से उपज प्राप्त करेंगे। तो इन 3 सूक्ष्म तत्वों का बड़ा महत्व है। हाँ, एक चीज़ और है, डाइथेन M45, इसको भी हम 75 दिन के बाद खेत में 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से खेत में डाल देते हैं। उसका बड़ा असर है। असर ये है कि जब भी हम इसको डालते हैं तो आप देखते होंगे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं या पत्तियाँ हमारी सिकुड़ रही हैं या किसी भी तरह का असर है, तो वो जो है पत्तियाँ खिल जाती हैं, पत्तियाँ चौड़ी हो जाती हैं, और उससे जो है हमें तेल लेने में बहुत सहायता मिलती है। वैसे तो सल्फर और कैल्शियम हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट या सुपर के साथ डाल चुके हैं, लेकिन एक बार ये स्प्रे करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पौधे को तेल बनाने की प्रक्रिया में अच्छा असर पड़े, क्लोरोफिल अच्छा बने और तेल की मात्रा ज़्यादा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे पहले हमारे वीडियो पे बहुत सारे प्रश्न आए कि मेंथा में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, जब कीड़े का प्रकोप होता है तो किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखें, कीड़े तो मेंथा में लगते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे कीड़े बढ़ते जाते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम बताएँगे कि जैसे ये हम लोग खेत में लगाते हैं फसल, तो चारों तरफ हमारे सरसों फसल होती है या आलू की फसल होती है, तो जहाँ जहाँ सरसों की फसल है हमारे पौध लगाने के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही माहू दिखाई पड़ने लगते हैं। तो माहू की रोकथाम के लिए या बाकी कीड़े जो होते हैं वो हमारे खेत के चारों तरफ जो मेड़ है उसमें जो घास है वहाँ पर वो अपने अंडे बच्चे दिए रहते हैं। तो ऐसे करने के लिए जब हम लगाए और पहली बार 10-15 दिन के बाद ही हम उसमें नीम आयल का तेल जो है उसका छिड़काव करें, तो जो भी अंडे पड़े हुए हैं वो मर जाएंगे, एक जनरेशन वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी हमारे पौधे के ऊपर माहू लगा है या और कीड़े लगे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सावधानी के लिए या अपनी फसल को ज़्यादा बचाने के लिए हमें चाहिए कि पहली बार 8 से 10 दिन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर हम जो है एक बार नीम आयल का छिड़काव कर दें। उसके बाद अगर फिर हमारे कीड़े आते हैं, जैसे लूपर है, सेमी लूपर है और बहुत सारे लगते हैं, कटवर्म है, बहुत सारे लगते हैं, तो लूपर वगैरह अगर हमारे उसमें लगे हुए हैं तो क्विनाल फास जो है हम उसको 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव कर दें, तो लूपर से रोकथाम हो जाएगी। और अगर हमारे खेत में कटवर्म जो कि पौधे को काट देते हैं और वो कीड़े दिखाई भी नहीं पड़ते, दीमक लगते हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ते, तो उस दशा में हमें चाहिए कि क्लोरोपाइरीफास जिस खेत में हम पानी लगा रहे हैं उस खेत में पानी के साथ साथ
हम क्लोरोपाइरीफास को उस खेत में जाने देंगे, तो जब खेत में पानी जाएगा तो दवा जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगी, और ज़मीन के अंदर छिपने वाले जो कटवर्म हैं जो पौधे को काटते हैं या दीमक हैं उन पर असर पड़ेगा और वो मर जाएंगे। तो ये दवाएं जो हैं क्विनालफास है, क्लोरोपाइरीफास है, नीम ऑयल है, इन सब का उपयोग करना चाहिए। एक और हम आपको बताएंगे अपने पौधों को रक्षा के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, पौधों में थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा से जड़ को शोधित करते हैं। अगर हम शोधित कर पाए हैं या नहीं भी कर पाए हैं, तो जब हम जड़ उखाड़ते हैं खेत से नर्सरी, उसी समय पर उस नर्सरी की जड़ को ट्राइकोडर्मा से अगर एक बार फिर शोधित कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से हमें राहत मिल जाती है। और साथ ही साथ चूँकि ये ऑर्गेनिक है, ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंगस है, तो ये जो है हमारे पौधे के अंदर एक नई जान पैदा करता है। मिट्टी में अगर पड़ा हुआ है तो जितने भी सूक्ष्म कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, एंजाइम सारे हैं, उनमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती जो हमारे पौधे को फायदा करती है और पौधे में एक ताकत आ जाती जिससे कि कीड़े मकोड़े या बीमारियों लगने की बात कम हो जाती है। ये सावधानी हमें रखना चाहिए।